नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी अपने DSLR कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो आज के वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास है कैनन का M50 Mark II DSLR कैमरा और आज हम इस DSLR कैमरे से YouTube पर डायरेक्ट लाइव करके देखेंगे। इसमें आपको कोई भी कैप्चर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी HDMI केबल की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सीधा अपने DSLR कैमरे से अपने YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो सब सीखने के लिए चलते हैं अपने PC पर और देखते हैं कैसे हम अपने DSLR कैमरे से YouTube पर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। हम आ चुके हैं अपने PC पर। सबसे पहले हमें कैनन में अपनी ID बनानी होगी। उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है image.canon। जब आप सर्च करोगे तो जो पहली वेबसाइट आ रही है image.canon, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर image.canon वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको इस साइड ऑप्शन दिखाई देगा गेट स्टार्टेड का, यहाँ पर एरो आ रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है और आपको यहाँ पर क्रिएट कैनन ID पर क्लिक करना है। टर्म्स ऑफ यूज और कुकीज वगैरह ये हमें यहाँ पर टिक कर देनी है, एक्सेप्ट कर लेनी है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मैसेज आ रहा है डू यू हैव अ कैनन डिजिटल कैमरा और सेल्फी फोटो प्रिंटर। तो हमारे पास कैनन का कैमरा है तो हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कैनन के बहुत सारे DSLR कैमरा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें से आपको अपना मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। ज़्यादातर कैनन के जितने भी मॉडल हैं सभी पर ये सपोर्ट करता है, उस पर आप डायरेक्ट लाइव कर सकते हो। इसके अंदर आप देख रहे हैं कैनन 200DV यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर M50 Mark II से लाइव करेंगे। तो ये है हमारा कैमरा M50 Mark II, इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका कैमरा है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा है M50 Mark II, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन हो गए हैं, कैमरा कनेक्शन प्रोसीजर। अब ये यहाँ पर दिखा रहा है डिस्प्लेइंग द वाईफाई मेनू, यानी अब हमें जाना होगा अपने कैमरे पर। तो चलते हैं अपने कैमरे पर, वहाँ पर हमें कुछ सेटिंग करनी होगी। उसके बाद फिर से हम अपने PC पर आएंगे, इस वेबसाइट पर आएंगे और कुछ सेटिंग्स यहाँ करेंगे, कुछ उस कैमरे में करेंगे। पहली बार ये सेटअप करने के लिए ये सब हमें करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपने कैमरे पर और वहाँ पर हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना कैमरा ले लिया है। यहाँ पर हमें मेनू में जाना है, मेनू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो वाईफाई वाला ऑप्शन आ रहा है इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से हमें ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यह है अपलोड टू वेब सर्विस, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक बार फिर से हम इसे ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है कैमरा वेब लिंक सेटिंग्स, यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है इन्हें हमें यहाँ से आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कनेक्ट विद WPS का ऑप्शन आ रहा है, जो मेरा वाईफाई है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये वाला वाईफाई है मेरा, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑटो सेटिंग का, ऑटो सेटिंग पर ही इसे रखेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकेंड यहाँ पर सेटअप होने में लगेंगे। उसके बाद आ रहा है एंटर योर ईमेल एड्रेस, तो अब आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देना है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ, ओके कर देंगे। यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस दे दिया, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद कोई भी एक कोड क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर जो भी आपको कोड याद रहे आपको यहाँ पर एक कोड बना लेना है अपना, जो कि आगे जरूरत पड़ेगी इस कोड की वेरिफिकेशन के लिए। कोड क्रिएट करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा है कैनन ने हमें एक ईमेल भेजा है, जो ईमेल आईडी हमने दिया था उस ईमेल एड्रेस पर कैनन ने एक ईमेल भेजा है। वहां से हमें एक URL मिलेगा और उस URL से आगे की सेटिंग्स हम करने वाले हैं। तो हम अपना ईमेल ओपन कर लेते हैं और मेल पर देखते हैं कौन सा URL आया है, तो इसे हम फिलहाल यहां से ओके कर देते हैं। कैनन की तरफ से हमें एक ईमेल आया है। अब आपको यहां पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां आ रहा है कंफर्म योर कोड। अब आपको जो कोड आपने अपने DSLR कैमरे पर 4 डिजिट का कोड बनाया था वो कोड आपको यहाँ पर दे देना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर लोडिंग पेज प्लीज वेट। अब उसके बाद यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है, अब आपको अपने कैमरे पर वापस जाना है। आ रहा है प्रेस द फॉलोइंग आइकन ऑन द कैमरा स्क्रीन टू कंप्लीट द कनेक्शन। तो हम वापस चलते हैं अपने कैमरे पर। कैनन की जो हमारी वेबसाइट है उसके साथ यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, इसका सिंक हो रहा है। यहाँ पर आप देखो अब ये आइकॉन यहाँ पर चेंज हो चुका है, एक नया आइकॉन यहाँ पर आ चुका है। पहले ये आइकन नहीं दिख रहा था, अब ये आइकन यहाँ पर आ गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है image.canon। ये जो आइकॉन है ये हमारे DSLR कैमरे पर भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे सेट डेस्टिनेशन सर्विस। अगर आप गूगल फोटोज के ऊपर उनको कनेक्ट करना चाहते हो तो आप अपने गूगल फोटोज को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यूट्यूब। अब अगर आपको YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपना YouTube अकाउंट कनेक्ट कर लेना है। जिस ईमेल आईडी से आपका YouTube अकाउंट है जिस पर आप लाइव करना चाहते हो उस YouTube आईडी को यहाँ पर आपको दे देना है। तो हम यहाँ पर कंफर्म प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको इसे अलाउ कर देना है, परमिशन वगैरह अलाउ कर देनी है, दे देनी है। मैं अलाउ पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। अब उसके बाद आपको जाना है अपने यूट्यूब स्टूडियो पर। अब उसके बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आ जाना है और यूट्यूब चैनल में ऊपर की साइड यहाँ पर आपको प्लस का बटन दिखता है, क्रिएट का बटन है, इस पर क्लिक करना है, फिर गो लाइव पर क्लिक करना है। अब आप यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर पहुंच जाओगे। लाइव कंट्रोल रूम पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक मैनेज का ऑप्शन आ रहा है, आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर शेड्यूल स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, शेड्यूल स्ट्रीम पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको एक क्रिएट न्यू करके एक स्ट्रीम आपको शेड्यूल कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना टाइटल दे देना है, मान लो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी देना चाहो वो सब आपको यहाँ पर दे देना है, सारी डिटेल आपको एंटर कर देनी है। यहाँ से आपको अपना थंबनेल ऐड कर देना है, कोई भी थंबनेल वगैरह आप रखना चाहो तो वो थंबनेल आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। मान लो ये थंबनेल मैंने लगा दिया। उसके बाद प्लेलिस्ट, सारी डिटेल आप जानते हो वो सब यहाँ ऐड कर देना है। आपको टैग वैग जो भी लगाने हो वो सब लगा देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है, ये सब आप जानते हो, ये सब आपको इनेबल करना है या डिसेबल करना है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसकी प्राइवेसी को सेट कर सकते हो, प्राइवेट रखना है, अनलिस्टेड रखना है, पब्लिक रखना है, वो आप देख सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसे यहाँ पर प्राइवेट रखूँगा और यहाँ पर आप अपना डेट और टाइम रख सकते हो। तो फिलहाल हम यही रहने देंगे क्योंकि हमें इसी समय लाइव करना है। उसके बाद आपको यहाँ डन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर शेड्यूल हो चुकी है YouTube के लाइव कंट्रोल रूम में। आप इसकी सारी डिटेल देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो एडिशनल सेटिंग्स में ऑप्शन आ रहा है इनेबल ऑटो स्टार्ट और इनेबल ऑटो स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। इनेबल ऑटो स्टार्ट या इनेबल ऑटो स्टॉप को अगर आप ऑन कर दोगे, इनेबल कर दोगे, तो उससे क्या होगा, मान लो आप अपने कैमरे से जब आपने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी तो अपने आप ही आपके यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी आप अपने कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करोगे तो हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो हमारे यूट्यूब से भी बंद हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनेबल ऑटो स्टार्ट ये वाला तो आपको इनेबल कर देना है, लेकिन इनेबल ऑटो स्टॉप वाला आपको यहाँ पर इनेबल नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत है या कैमरे से आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, आपकी YouTube लाइव स्ट्रीमिंग एकदम से बंद हो जाएगी। तो वो वैसा ना हो इसलिए हमने यहाँ पर इनेबल ऑटो स्टॉप को इनेबल नहीं किया है। बस आपकी सारी सेटिंग्स, यूट्यूब की सारी सेटिंग्स सब आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको जाना है अपने DSLR कैमरे पर। अब उसके बाद यहाँ पर आपको सारा सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पर वापस जाना है, अपने मेनू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लाइव स्ट्रीमिंग का, आपको लाइव स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये सर्चिंग हो रहा है तो कुछ ही देर में यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिंग का यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह का मैसेज दिखाई देगा टेस्ट DSL लाइव, इस पर आपको क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है इसको। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने अपने यूट्यूब पर जो हमने लाइव स्ट्रीमिंग की सेटिंग की थी उसका टाइटल वगैरह डिटेल यहाँ पर दिखने लगी है। उसके बाद आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टू एग्जिट लाइव स्ट्रीमिंग मोड, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग मोड से बाहर आना है तो उसके लिए आपको मेनू के बटन को प्रेस कर देना है, लाइव स्ट्रीमिंग से बाहर आ जाओगे। इसके अलावा जब आप DSLR से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होगे तो DSLR के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये मैसेज यहाँ आ रहा है। इसके बाद हमें यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह से हमारी स्क्रीन यहाँ पर आ रही है। अब आपको यहाँ पर ऊपर की साइड एक क्विक का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे आप देख रहे हो PRVW यानी प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, लाइव का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहते हो प्रीव्यू देखना तो प्रीव्यू पर आप क्लिक कर दो, जिससे आप चेक कर सकते हो कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग की क्वालिटी वगैरह कैसी है, क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और डायरेक्ट आपको लाइव करना है तो लाइव पर क्लिक कर दो, आप फिर से एक बार क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रीम लाइव वीडियो यहाँ पर लिख के आ रहा है, स्ट्रीम लाइव वीडियो। और अब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जल्दी ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा सेटअप कैमरे के अंदर हो चुका है, यहाँ पर आप देख रहे हो लाइव लिख के आ रहा है। लेकिन अभी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब तक नहीं जा रही है। अब आपको लाइव स्ट्रीमिंग को अपने कैमरे से स्टार्ट करने के लिए जो आपके कैमरे पर रिकॉर्ड बटन होता है, जिससे आप अपने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो, उसे आपको प्रेस कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो रेड कलर का ये बटन आ रहा है, इसे मैं प्रेस करूँगा। और जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो ये आप देख सकते हो, अब ये बटन हमारा स्टॉप बटन में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पर आ रहा है प्रीपेयरिंग टू स्ट्रीम, यानी अब हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो हमारे यूट्यूब पर भी पहुँच जाएगी। और जब भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो तो आपको ये स्टॉप वाला बटन दबा देना है, इससे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पर रेड कलर से आपको लाइव दिखाई दे रहा है और स्टॉप का बटन भी आ रहा है। आपको अगर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करना हो तो आप स्टॉप के बटन पर क्लिक करके अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को जब भी चाहो स्टॉप कर सकते हो, या फिर आप मेनू के बटन पर प्रेस करके तब भी आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप कर सकते हो। अब हम जाके चेक करेंगे कि क्या हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग हमारे यूट्यूब पर पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है। तो हम वापस आ चुके हैं अपने यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हमारे कैमरे से, जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो व्यूअर्स की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी कि कितने लोग आपकी लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। तो अभी हमने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को प्राइवेट कर रखा है, इसलिए यहाँ पर 00 शो हो रहा है। अब जब आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप करना हो, बंद करना हो, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है, स्टॉप का बटन आ रहा है, स्टॉप के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यहां से स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने DSLR कैमरे से डायरेक्ट YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।